अभी आप सभी ने खबरों के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इस चीज़ को देखा होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 21,991 पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है। तो हम आज कंपैरिजन करने के लिए आए हैं कि एक तरफ बिहार की सरकार है जो लगातार इतनी स्थायी नौकरियां दे रही और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है। बिहार सरकार की तरफ से जब विभिन्न डिपार्टमेंट्स में इस तरह की नियुक्तियों के लिए आगे काम हो रहा है उसमें हर किसी को सरकारी नौकरी का दर्जा मिलेगा, 60 वर्ष की आयु तक लोग नौकरी कर पाएंगे, एक सम्मानित वेतनमान मिलेगा, अन्य कई सुविधाएं मिलेंगी जो एक सरकारी सेवा में आए हुए व्यक्ति की अपेक्षा और आकांक्षा होती है। और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है, अग्निवीर योजना। जरा सोचिए कि नेताओं को पेंशन मिलता है, इतनी सुविधाएं मिलती हैं, 5 वर्ष के लिए चुनकर आते हैं, और दूसरी तरफ 4 वर्षों की ये योजना जिसमें सुविधाएं हैं ही नहीं। अगर माँ भारती के वीर सपूत बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं तो अनुकंपा के आधार पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती, कॉम्पनसेशन का प्रावधान नहीं होता है, कोई सुविधा नहीं मिलती है। 4 वर्ष का एक कोर्स करने के बाद वो लोग फिर बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिए जाते हैं, महज चंद लोगों को मौका मिल पाएगा, बाकी फ्रस्ट्रेशन के जोन में जिएंगे। इस बात को लेकर तो कई बार विरोध हो चुका है, लेकिन आज हम उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि बिहार की सरकार की मंशा है कि बिहार के युवाओं को 60 वर्षों तक नौकरी की गारंटी मिले, सरकारी नौकरी की गारंटी मिले, और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है जो इतनी संवेदनहीन है। तो आप लोग और देश की जनता तय कर सकते हैं कि माँ भारती के वीर सपूतों के लिए माँ भारती के कपूत क्या कर रहे हैं, लगातार उनकी तरफ से इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं। हम लोग जरा आर्मी पे चर्चा कर ले, चिल्ला चिल्ला कर हमेशा बताते हैं ये लोग कि बिहार में इतनी नियुक्तियां हैं, इतनी नियुक्तियां होनी चाहिए। हम लोग तो लगातार नियुक्तियां कर रहे हैं, लेकिन अगर आर्मी के डेटा को हम लोग पेश करें तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा, लगभग 1,22,000 से ज्यादा पद अभी तक रिक्त हैं और उनमें 9,362 से अधिक ऑफिसर रैंक के पद हैं, और अन्य पदों की अगर गिनती की जाए तो 1,13,193 पदों से ज्यादा रिक्तियां हैं, चाहे आप इंडियन एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें। तो जो लोग चिल्ला चिल्ला कर रोजगार के अवसर पैदा करने की बात करते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में रिक्त पदों को तो भर ही नहीं पा रहे हैं और देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह की योजनाएं ला रहे हैं। ये तो एक पक्ष हुआ कि हमने बताया कि बिहार सरकार की जो स्ट्रैटेजी है, बिहार सरकार की जो नीयत है, वो केंद्र की सरकार से कैसे अलग है। और दूसरा, जो लोग चिल्ला चिल्ला कर हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मैं आग्रह करूंगा, मेरी साथी प्रवक्ता है अनुप्रिया जी, आपको विस्तृत तरीके से बताएंगी कि किस तरह से हमारी सरकार इन विभिन्न योजनाओं में किस तरह से महिलाओं को प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाती है। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आज जिस विषय के साथ हम बैठे थे, आपने सुना कि एक तरफ जो सरकार है जहां पे सिर्फ वादे हैं और कहने को मन की बात है, आंकड़ों के हिसाब से अभिषेक जी ने आपको बताया कि वस्तु स्थिति क्या है देश की और रोजगार की स्थिति क्या है, जिसमें वो हर वर्ष कहते हैं 2 करोड़ रोजगार की बात, और उसमें से अभी तक 7,84,000 ही नौकरी मिली। हम तो आज बैठे हैं कि हमने बिहार में, आपने जैसा अभिषेक जी ने बताया कि 21,000 अभी नौकरी से पुलिस में, इसी वर्ष हमने 1,74,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए हमने वैकेंसी निकाली। तो लगातार हम अपने वादे के साथ में हैं, और एक तरफ जहां जो वादे थे वो जुमले साबित हुए, 9 साल बेमिसाल में, आपको सच्चाई यह है कि 9 साल के शासनकाल से महिला युवा सभी बेहाल हैं। आज जो विषय जिसमें कि हमने पुलिस बल की बात की, मैं आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में बताना चाहती हूँ, जो बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो दूरगामी सोच है, जो उनकी एक सोच रही है महिलाओं को घर से बाहर निकल करके देश और राज्य के शासन में शामिल करने। जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी थी, उस समय में पुलिस बल की संख्या, सिर्फ मैं महिलाओं के पुलिस बल की संख्या बता रही हूँ, वो 893 थी, और आज भी महिला पुलिस है
31,000। ये अगर आप अन्य राज्यों से गिनती करें, जो एक सरकार जो देश में कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो झूठी साबित होती है, क्योंकि उनके नेताओं ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो ये उनकी मानसिकता दिखती है, ये उनकी सच्चाई है। क्योंकि हमने देखा जंतर मंतर पे देश की बेटियां जो आन बान शान अपने देश का बढ़ाती हैं, उनके साथ में जिस तरह से 28 तारीख को बर्बरता पूर्वक व्यवहार देश की पुलिस के द्वारा किया गया, उस पर चुप्पी साधी रही और बचता रहा भाजपा आज तक। अब नीपा पोती करी, उसकी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। अगर मैं पुलिस बल की मैं बात करूं, ये बिहार एक पहला प्रदेश था जहां पे महिला बटालियन का गठन हुआ और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन हुआ। तो हमने हर एक समाज महिला के साथ में हर एक समाज का भी उत्थान करने का हमने प्रयास किया है। पुलिस बल में अगर हम कंपेयर करें अन्य राज्यों से, तो हम कई राज्यों से, उत्तर प्रदेश में हमसे आधी आबादी है महिलाएं पुलिस की, जबकि आबादी के मामले में यूपी हमसे ज्यादा है। अब तक पुलिस बल में अनुसूचित 12,360 पदों के विरुद्ध कुल 3,701 महिलाओं की नियुक्ति हुई है। इसमें 3,672 महिलाएं सिपाही और 29 चालक सिपाही। तो हम लगातार महिला हित में कार्य कर रहे हैं और यही हमारी मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो हर दल हर व्यक्ति हर समाज की महिला और युवा के लिए है। ये आपको अब मैं ये आप सभी के सामने मैं छोड़ती हूँ कि देश की जनता को सोचनी होगी कि आप किस तरह की सरकार के साथ में जाना चाहते हैं, जो मन की बात करे या काम की बात करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अतिरिक्त कोई सवाल आपके हो तो आप पूछ सकते हैं। सेना वाला संख्या जो मैंने बताया वो ये है कि अभी तीनों अगर सेनाओं की बात करें तो 1,22,000 से ज़्यादा रिक्तियां हैं, जिसमें 9,362 से ज़्यादा ऑफिसर्स रैंक के लोग हैं। और अन्य पदों की अगर हम बात करें, वो इंडियन आर्मी एयरफोर्स और नेवी की बात करते हैं, तो लगभग 1,13,193 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। और इनके अगेंस्ट ये परमानेंट नियुक्तियाँ ना करके लगातार केंद्र की सरकार की तरफ से इस तरह की योजनाएँ चलाई जा रही, जिसमें युवाओं को रोज़गार और नौकरी की गारंटी तक नहीं। सेंट्रल पुलिस में 3,00,000 वैकेंसीज हैं। हाँ, सेंट्रल पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल पुलिस में 3,00,000 से ज़्यादा ही वैकेंसीज हैं अभी है। तो जिन प्रदेशों में आप सोच लीजिए, आंकड़ों के माध्यम से भी बता ही रही थी, जिन प्रदेशों में भाजपा का शासन है अगर वहाँ देख लें, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में 25% महिला पुलिसकर्मी है। महाराष्ट्र में इनका शासन है, बिहार में 25%, महाराष्ट्र में महज 12.5%, हिमाचल में 19.15%। दिल्ली की बात करें, दिल्ली देश की राजधानी, हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं, हम आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में महज 12.3% महिला पुलिसकर्मी। तो ये महिला सशक्तिकरण का कौन सा उदाहरण केंद्र की सरकार का है, आप इन आंकड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सम्राट चौधरी जी सरकार आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर सम्राट चौधरी जी का इंटेलिजेंस यूनिट इतना ही स्ट्रांग इतना ही अच्छा है और उनको मालूम है कि कौन कौन लोग घुसपैठिए हैं, तो सूचना क्यों नहीं देते हैं सरकार को, या सूचनार्थ क्यों नहीं लिख कर देते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय को, उनके सम्मानित नेता को? अरे अगर घुसपैठ कहीं होती है देश की सीमा पर, तो जवाबदेही किसकी बनती है? प्रदेश की सरकारों को। देश की सीमा की सुरक्षा की जवाबदेही केंद्र की सरकार की है। और सम्राट चौधरी जी इस तरह की बातें करके ये साबित करते हैं कि वो अपनी ही केंद्र की सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद। मैं एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल के इंटरव्यू में देख रहा था, सम्राट चौधरी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बोलते बोलते बोल गए कि अरे 14 के लिए उम्मीदवार तो तय कर ले पहले विपक्ष। सोचिए, सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार जी का विरोध करते करते किस पॉलिटिकल डिमेंशिया के शिकार हो चुके हैं, किस स्तर तक अलबला चुके हैं कि उन्हें ये तक ज्ञात नहीं है कि अब चुनाव 2024 में होने वाले हैं, 14 तो कब का बीत चुका है।
असल में 14-14 इसलिए रखते हैं, उसका खास कारण मैं बता दूं। 14 में उनके पिताजी ने भागलपुर की धरती से भाषण दिया था कि मोदी जी को भागलपुर की धरती में गाड़ देना है। सम्राट चौधरी जी 14 नहीं भुला पा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पिता के किए हुए जनता से वादे को पूरा करना है। जो काम वो भाजपा से हट कर नहीं कर सकते हैं, भाजपा में सट के करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।